जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर मातम मनाया जा रहा है, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस मौत पर मातम की बजाय खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। 13 अप्रैल 2024 को जब ईरानी एम्बेसी पर हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया, तो पाकिस्तान जैसे बहुत से ममालिक में इब्राहिम रईसी को उम्मत मुस्लिमों का सबसे बड़ा और बहादुर लीडर कहा जाने लगा। लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईरानी सदर के माजी की वजह से उसे बुचर ऑफ तेहरान यानी तेहरान का किसाई कहते हैं। आखिर क्या सच है इब्राहिम रईसी का कि उनकी मौत पर लोग तकसीम दिखाई देते हैं? क्या वाकई वो ईरान और उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बहादुर लीडर था, या हकीकत इससे मुख्तलिफ है? आज की इस वीडियो में इब्राहिम रईसी की असल जिंदगी के बारे में हम जानेंगे, क्या है उनका माजी और क्या है उनका सच। वीडियो पूरी देखने के बाद मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज के बाद बहुत से लोग जज्बात की बजाय रैशनैलिटी से सोचकर अपने आइडियाज बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगाह रह सकें। इब्राहिम रईसी के माजी में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप इब्राहिम रईसी को इसलिए पसंद करते हैं कि हाल ही में उसने गजा में होने वाले मजालिम के खिलाफ इसराइल पर हमला किया? और अगर ऐसा ही है तो जरा सोचिए कि क्यों इब्राहिम रईसी की बहादुरी एक हमले के बाद खत्म हो गई? क्यों हमला करने से पहले इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका को इतला दी गई थी? क्या इस हमले के बाद इसराइल ने गजा में जारी जुल्म को खत्म कर दिया या आज तक वो जारी है? और अगर जारी है तो फिर ईरान ने फलस्तीनियों के हक में और हमले क्यों नहीं किए? सच असल में ये है कि ईरान की तरफ से किया जाने वाला हमला अपनी आवाम के सामने वोट मांगने के लिए फेस सेविंग का तरीका था, और दुनिया को ये बताना लाजमी था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जवाब लाजमी देगा। लेकिन हुआ क्या, हमेशा की तरह ना सिर्फ रईसी के सपोर्टर्स ने बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने इस हमले को फलस्तीनी जीत के जश्न के तौर पर मनाया, जैसे ईरानी हमले की वजह से इसराइल ने गजा में जारी जुल्म बंद कर दिए हो, गजा के लोगों को चैन की जिंदगी मिल गई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह के बिहेवियर को फॉल्स एम्पावरमेंट कहा जाता है। फॉल्स एम्पावरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे छोटे छोटे अलामती काम हमें कामयाबी का एहसास दिलाते हैं जिससे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है और हम सुकून से फिर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं, जबकि असल मसला वहीं का वहीं मौजूद होता है। याद करिए कि जब अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश पर जूता फेंका गया तो बहुत से लोगों ने इस पर जश्न मनाया, लेकिन क्या अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली? या जब नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया तो इमरान खान के बहुत से फॉलोअर्स ने इस पर खुशियां मनाई, लेकिन आज हुकूमत फिर नवाज शरीफ की चल रही है। तो अपनी एनर्जीज को इधर उधर जाया करने की बजाय हकीकी कामों पर लगाइए। और अब जरा इब्राहिम रईसी के माजी पर नजर डालते हैं। फरवरी 1979 में ईरानी इनकलाब के नतीजे में रजा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा होता है। अगरचे इब्राहिम रईसी का इस इनकलाब में रोल नहीं था, लेकिन बहुत ही जल्द 1981 में वो करज में प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, और 1988 तक वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के इंतहाई करीब आ चुके थे और तेहरान में डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। लेकिन फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी की तरफ से एक फतवा जारी किया गया जिसमें मुजाहिदीन खल्क नामी एक जमात को मुहर्रब यानी वो लोग जो कि खुदा से जंग लड़ते हैं और लेफ्टिस्ट लोगों को मुर्तद बताकर जेलों में कैद इन तंजीमों के कैदियों को मारने का हुक्म जारी हुआ। इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त तक कई हुकूमती ओहदों पर फाइज हो चुके थे, उन्हें डेथ कमीशन का मेंबर बनाया गया जो कि सारे अमल को सुपरवाइज करेगा। इनमें से बहुत से कैदियों को पहले से सजाएं सुनाई जा चुकी थी, लेकिन फिर से इन कैदियों के लिए एक सवाल नामा तैयार किया गया और कैदियों को बताया गया कि ये सब मुसलमानों और नॉन मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हकीकत में मुर्तद और मुहर्रिब की तलाश की जा रही थी। इनसे सवाल किया जाता कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो, क्या तुम रोजे रखते हो, क्या जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा बाप नमाज कुरान और रोजे की पाबंदी करता था? मतलब कि अगर किसी का बाप इबादत की पाबंदी नहीं करता था तो ये गलत जवाब माना जाता था, क्योंकि गुनाहगार का बेटा गुनाहगार ही होगा। इन कैदियों को अंदाजा भी नहीं था कि ये सवाल कितनी अहमियत रखते हैं। और फिर जो कैदी मुर्तद और मुहर्रिब की कैटेगरी में पाए गए उन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई। ईरान के तकरीबन 32 शहरों में होने वाले इस कत्लेआम को ईरानी तारीख का इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म करार दिया जाता है। इनमें से कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें एथियस्ट
या दूसरे फिरकों के साथ ताल्लुक रखने की वजह से मार दिया गया। इस कत्लेआम को छुपाने के लिए बहुत एहतियात के साथ काम लिया गया। कत्ल करने से पहले कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। जेलों को सील, फोन कॉल्स को कैंसिल और यहाँ तक के बाहर से आने वाली अद्वियात को भी बाहर से ही लौटा दिया गया। कत्ल किए गए अफराद में ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और 13-13 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद की तादाद 2800 से 5000 के दरमियान थी, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल कम से कम 5000 अफराद के कत्ल करने का दावा करती है। ईरानी ऑफिशियल इस सब को एक प्रोपेगेंडा डिक्लेयर करते हैं और इन फांसियों को मुजाहिदीन खल्क की तरफ से मुदाखलत के रिस्पॉन्स के लिहाज से जायज करार देते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर सिर्फ मुजाहिदीन खल्क को रिस्पॉन्ड करना था तो लेफ्टिस्ट और दूसरे ग्रोह के अफराद को क्यों मारा गया? आप यकीनन इसको एक मगरबी प्रोपेगेंडा समझ रहे होंगे, लेकिन जल्द ही इसके खिलाफ ईरान के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई। ईरानी इनकलाब में अहम तरीन किरदार निभाने वाले और आयतुल्ला खुमैनी के करीब तरीन साथियों में से एक ग्रैंड आयतुल्ला हुसैन अली मुंतजरी ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई और इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया। ये शख्स इतना ज्यादा अहम था कि इसको सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी का जानशीन बना दिया गया। लेकिन जब हुसैन मुंतजरी ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें इस ओहदे से हटाकर आज के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। 2016 में एक ऑडियो लीक हुई जिसमें 1988 में होने वाली एक अहम मीटिंग में मुंतजरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कैसे वजारत इंटेलिजेंस ने मुजाहिदीन खल्क की मुदाखलत को बहाना बनाकर इतने बड़े कत्लेआम का प्लान बनाया। इस ऑडियो लीक होने के बाद इब्राहिम रईसी पर फिर से सवाल उठाए गए, जो कि इस वक्त 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ थे। डेथ कमीशन में अपना किरदार निभाने की वजह से इब्राहिम रईसी को हैंगिंग जज और बुचर ऑफ तेहरान का नाम दिया गया। फिर रईसी के दौरे हुकूमत में 16 सितम्बर 2022 को महसा आमनी नामी एक 22 साला लड़की को इसकी फैमिली के सामने पुलिस इस बात पर गिरफ्तार करती है कि उसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था और 2 घंटे बाद ये खबर मिलती है कि हार्ट अटैक की वजह से महसा आमनी को अस्पताल दाखिल कर दिया गया है, जहां उसकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स ये कंफर्म करती है कि महसा आमनी पर इतना टॉर्चर किया गया कि वो मर गई। घर वालों के इसरार के बावजूद लाश उन्हें नहीं दिखाई गई और कफन पहनाकर ही लाश उनके हवाले की गई ताकि जिस्म पर मौजूद निशानों को ना देखा जा सके। इसके रिएक्शन में ईरान में शदीद एहतजाज किया गया। ईरानी हुकूमत की तरफ से इसे मगरिब की साजिश करार दिया गया और फिर रईसी के सपोर्टर्स भी सड़कों पर निकल आए और अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस सारे वाक्य को बैरूनी रंग दे दिया गया। ये ईरानी इनकलाब के बाद ईरान की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट थे। फिर अब अगर इलेक्शन में धांधली की बात करें तो यहाँ भी रईसी के किरदार पर कई दाग मौजूद हैं। 2017 का इलेक्शन हसन रूहानी से हारने के बाद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के फेवरेट होने की वजह से 2021 का इलेक्शन जीतकर रईसी ने सदारत संभाली। तकरीबन 2.9 करोड़ वोट्स में से 37 लाख वोट्स ऐसे थे जो एहतजाज में खाली छोड़ दिए गए, जिन्हें प्रोटेस्ट वोट्स भी कहा जाता है। ईरान में सदर का इलेक्शन कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला शूराए निगहबान करती है और इस शूरा के मेंबरान का फैसला सुप्रीम लीडर करता है। 600 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 मर्दों का इंतखाब किया गया। कई मशहूर नामों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिनमें से एक ईरान के पुराने सदर अहमदी निजाद भी थे। इसके रिएक्शन में अहमदी निजाद ने यहाँ तक कह दिया कि मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इस मुदाह का हिस्सा नहीं बनना। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी तंजीमों ने इस इलेक्शन को एक शैम इलेक्शन करार दिया। इस इलेक्शन ने कई नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। यह ईरानी इनकलाब के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें सबसे कम टर्नआउट था। ईरानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी हारने वाले उम्मीदवार के वोट रिजेक्ट और इनवैलिड वोटों की तादाद से कम थे। तेहरान में आबादी के सिर्फ 1/4 ने वोट कास्ट किया और इसमें इनवैलिड वोट्स भी शामिल थे। इलेक्शन से पहले किए गए बड़े बड़े दावों पर इब्राहिम रईसी पूरा ना उतर सके। अपने नजरिए से इख्तलाफ रखने वाले दर्जनों प्रोफेसर को सस्पेंड या जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया और फिर 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी मर गए। ईरानी सदर की मौत पर जहां उनके लाखों सपोर्टर्स ने गम और रंज का इजहार किया, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मिठाइयां तकसीम की और खुशियां मनाई। अब आप खुद सोचें कि एक ऐसा शख्स जिसका माजी इतना पुर असरार हो, उसे पूरी मुस्लिम उम्मत का लीडर
करार देना कहां की अकलमंदी है। यकीनन हम सबको इब्राहिम रईसी की अचानक मौत पर अफसोस जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ किसी का मजहबी दिखना और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक उसका काम करना उसे पूरी मुस्लिम उम्मत का लीडर बनाने का तकाजा है? क्या हम बहसियत कौम अपनी महबूबियों और ख्वाहिशात के इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि अपनी ख्वाहिशात के लिए एक शख्स को तारीख में एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश करें जो हीरो बनने के बुनियादी असूलों पर पूरा न उतर सके, या उसके किरदार पर शक हो और हमारे आने वाली नस्लें भी बगैर रैशनैलिटी के एक ऐसी सोच पर चल रही हो जो सिर्फ ख्वाहिशात की पाबंद हो? अब अगर आप इस सब के जवाब में ये सोच रहे हैं कि इसराइल और अमरीका ने भी तो इतने जुल्म किए हैं, तो यकीन मानिए आपको मज़हब इस्लाम दोबारा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम कभी भी जुल्म के बदले जुल्म की इजाज़त नहीं देता। दूसरे बेशक जो भी करें, इस्लाम में जंग तक के असूल को वादे कर दिया गया है। कहीं भी इलेक्शन को चोरी करना, बेशक वो वसी तर मफाद में किया गया हो, जायज नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद ऐसी वीडियो को आप तक पहुँचाया जा सके और आप आगाह रह सकें।